कश्मीर आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के जवान शहीद 7 जून को बेटे का जन्मदिन मनाने आने वाले थे, आ जाएगी पार्थिव देह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार शाम 4 मई एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के विक्की पहाड़े शहीद हो गए। वे लोनिया करबल के रहने वाले थे। शहीद की पार्थिव देह को उधमपुर जम्मू कश्मीर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ से विशेष विमान के जरिए पार्थिव देह नागपुर लाई जा रही है। नागपुर से आज पार्थिव देह विशेष वाहन से छिंदवाड़ा लाई जाएगी। गृहग्राम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी का खरगोन दौरा। भाजपा जिलाध्यक्ष बोले, बड़वानी जिले में कार्यकर्ता घर घर लोगों को निमंत्रण दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को खरगोन में नवग्रह मेला मैदान पर सुबह 10 बजे और खंडवा लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल एवं खरगोन लोकसभा प्रत्याशी की गजेंद्र पटेल के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अलावा खरगोन व खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। खरगोन में आज आएंगे राहुल गांधी। आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश, लोकसभा प्रदेश प्रभारी ने सभास्थल पर व्यवस्थाएं देखी। खरगोन के सेगांव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज खरगोन आ रहे हैं। वे दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। खरगोन बड़वानी लोकसभा की 8 विधानसभा से कार्यकर्ता व आमजन पहुंचेंगे। आज बुरहानपुर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। धूलकोट में होगी जनसभा। गणपति नाका से शाम 5 बजे करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार बुरहानपुर आ रहे हैं। 6 मई सोमवार को वह शाम 4 बजे आदिवासी बाहुल्य ग्राम धूलकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बुरहानपुर में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। गजेंद्र सिंह पटेल ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। 7 मई को खरगोन में होगी पीएम मोदी की जनसभा। रविवार को सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के धनोरा और चाचरिया मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा प्रत्याशी और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के बाद संविधान को बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा को अगर संविधान बदलना होता, आरक्षण को खत्म करना होता तो नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री है, अब तक आरक्षण खत्म क्यों नहीं किया, संविधान क्यों नहीं बदला। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, इसे हमें घर घर तक पहुंचना है। चुनाव आयोग की अनूठी पहल, 23 देशों के 75 प्रतिनिधि लोकतंत्र के महापर्व को देखने भारत पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े हुए 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंचे हुए हैं। ये जानकारी रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि ये बहुत खुशी और संतुष्टि की बात है कि हमारे निमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हमारे चुनावों को देखने के लिए यहाँ आए हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का थमा चुनाव प्रचार। इन 9 सीटों पर 7 मई को मतदान। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 सीटों पर रविवार शाम चुनाव प्रचार थम गया है। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इसके लिए आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि प्रचार थमने के बाद बाहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को जो उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। मतदान के लिए सोमवार को मतदान दल रवाना होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि तीसरे चरण के मतदान में भोपाल सहित मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा क्षेत्र शामिल है। तीसरे चरण में भाजपा कांग्रेस के सामने मतदान बढ़ाने की चुनौती। मध्य प्रदेश में 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई मंगलवार को मतदान होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती मतदान को बढ़ाने की है। पहले 2 चरणों में औसत मतदान 2019 के चुनाव की तुलना में कम रहा था। इससे चिंतित चुनाव आयोग के साथ भाजपा और कांग्रेस ने भी मतदाताओं से घर घर संपर्क कर उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इन 9 सीटों पर औसत मतदान 66.63% रहा था।
इसमें सबसे कम भिन्न में 54.42% रहा, जो मप्र में सबसे कम था।